हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सॉल्व पेपर का यानी कि हल प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, उन सभी को हम एक साथ देखने वाले। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जीके जीएस का। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो अभी तक कितने पेपर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो देखिए चार पेपर तो 2020 में ये हुआ था घुड़सवार फायरमैन के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के थ्रू, और इसके अलावा 2019 से लेकर 2006 तक जो है टोटल 18 पेपर लगभग हुए हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। ठीक है, 2006 तक, तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो 2019 में हुआ था, 28 जनवरी 2019 को सेकेंड पाली में जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था पेपर, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है जीके जीएस के जितने भी पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सभी को एक साथ देखने वाले, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपको इससे समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी हो जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। ठीक है, इससे आपको जानकारी मिलती है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करना और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान की इसमें बातें करेंगे, जीके जीएस से संबंधित बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था 2018 के पेपर में, 2019 में एक पेपर हुआ था, 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें पूछा गया था कि 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो 2017 में चुने गए थे वो उस समय योगी आदित्यनाथ, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है, लेकिन अभी भी वर्तमान में देखा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ ही है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, तो आनंदी बेन पटेल नाम उनका। ठीक है, आनंदी बेन पटेल, ये भी याद रखिएगा क्योंकि जब मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं तो जो है राज्यपाल भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, राज्य पक्षी पूछा गया था, तो राज्य पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो पक्षी में आता है सारस। ठीक है, करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सारस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं क्रौंच, सारस या क्रौंच। ठीक है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा तो सही होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। अब इसमें देख लेते हैं तो सारस अथवा क्रौंच जो है ये क्या है, राज्य पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर बात करेगा तो अशोक का पेड़ हो जाएगा, राजकीय पशु की बात करेगा तो बारहसिंगा हो जाएगा, राजकीय पुष्प की बात करेगा तो पलास या टेसू हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो एक वृत्त में एक गोले में दो मछली है और एक तीर धनुष है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें जो है राजकीय चिन्ह के रूप में जो है लिया गया है, तो ये इतना चीजें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन आया था कि वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक अगर उत्तर प्रदेश की नाम की अगर हम बात करेंगे तब उसे जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, 1950 के बाद जो है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो गया था, इसके पहले जो है संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नामकरण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को 1836 से लेकर 1877 ईस्वी तक जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। ठीक है, यह कब किया गया, ये 1877 के बाद। फिर 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, क्योंकि 1937 से 1950 तक का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। तो इन सभी नामों को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है क्योंकि इससे क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चार उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन में चौथा है कि उत्तर प्रदेश किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है। मेले से संबंधित क्वेश्चन आया था, यानी कि आपको उत्तर प्रदेश का मेला भी पढ़ना है। ठीक है, तो कैलाश मेले का आयोजन जो है किस शहर में होता है, इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, आगरा। आगरा में जो है कैलाश मेला लगता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगरा में ही जो है नवरात्र और गणगौर मेला का भी आयोजन होता है, और आगरा में ही एक और मेला लगता है बटेश्वर मेला जिसको हम पशु मेला कहते हैं, इसका भी आयोजन कहाँ होता है, आगरा में होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल यूपी स्पेशल जो है वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये सभी चीजें उसमें होंगी, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, आपका बहुत सारे चीजें इससे जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें मेला है, त्योहार है, गीत है, संगीत है, भाषा है, संस्कृति है, इतिहास है, उत्तर प्रदेश का सब चीजें उसमें कंप्लीट मैं जो है यूपी स्पेशल लेना लाकर लाने वाला हूँ वीडियो, तो उसको आप जरूर लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था। तो सबसे लंबी नहर है जो उत्तर प्रदेश की, उसका नाम क्या है? तो शारदा नहर है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 1920 से लेकर 1928 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। यह नहर बनवासा, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर एक बनवासा नामक स्थान है, जहां पे शारदा या फिर उसको काली या महाकाली नदी कहते हैं, वहां से निकलती है। इस नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में जाती है? तो पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन जिलों में से जो है सिंचाई होती है इस नहर से। तो इतने सारे जिलों से ये नहर जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ था तब उत्तराखंड जो है बना था, एक राज्य अलग करके बनाया गया था। तो ये अस्तित्व में कब आया था, यानी कि इसका इसको कब बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को? तो ये बनाया गया था नवंबर सन 2000 में। ठीक है, नवंबर सन 2000 में इसको बनाया गया था। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन से नवंबर को था? तो ये 9 नवंबर को था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को जो उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया, और उसमें उस समय 13 जिलों को जो है जोड़ा गया था उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीता था? देखिए, नोबेल पुरस्कार अगर हम करंट की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार से करंट से क्वेश्चन पूछा था, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि 1930 में सर सीवी रमन को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो इन्होंने किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मतलब किस क्षेत्र में दिया गया था? अब आपको इसमें क्या याद करना है, इससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप नोबेल पुरस्कार विजेता, खासकर जो भारतीय हैं, भारतीय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके बारे में जरूर याद रखिए, कब उन्हें कब दिया गया था और उन्हें किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सीवी रमन जो है एक भौतिक शास्त्री थे, तो आंसर इसका हो जाएगा, इन्हें भौतिक शास्त्र में यानी फिजिक्स में दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, जो कि भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका आविष्कार इन्हीं के नाम पर जो है रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न और 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बीस्टली टेल्स। ठीक है, बीस्टली टेल्स, इस तरीके से किताब भी पूछा जाता है, आपको प्रसिद्ध लेखकों की किताब को भी पढ़ना है। ठीक है, तो बीस्टली टेल्स इसका आंसर हो जाएगा। अब विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि हैं। बीस्टली टेल्स जो 1991 में विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कविता में 10 नीति कथाओं का संग्रह, इसका पूरा शीर्षक है बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड दियर, ये इसकी बुक का पूरा नाम है। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध लेखकों के बारे में भी आपको पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम था 1 नवंबर 1984। क्या नाम था? 1 नवंबर 1984 नाम था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के जो है प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृत्य है वो है मधुशाला, जो कि 1935 में इन्होंने लिखा था। नवंबर 1984 में इन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1984 लिखी, जो उनकी अंतिम कविता थी। तो ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह प्रणाली की खोज, अब साइंस से क्वेश्चन आ गया, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? बायोलॉजी से क्वेश्चन, तो आपको ब्लड ग्रुप, ब्लड से रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चन उनको याद करना है, उनको पढ़ना है। ब्लड रक्त समूह प्रणाली की खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, किसने खोजा था? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां का एक जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक था। ठीक है, 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह AB, AB और O रक्त ग्रुप की जो है खोज किया था। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया, और उस तरीके से रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है, और ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों पाया जाता है, और ओ समूह में जो है एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता।
तो इस तरीके से रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो वो कौन सा कंप्यूटर वर्म है जिसके बारे में बात किया था, तो वो है स्टक्सनेट। क्या नाम था उसका? स्टक्सनेट। तो इस तरीके से कुछ फेमस कंप्यूटर से रिलेटेड काम हुए हैं इतिहास में, उनको भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टक्सनेट का है, एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जो है अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। स्टक्सनेट विशेष रूप से प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यानी कि LPLC को लक्षित करता है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रक्रियाओं के स्वचालन की अनुमति देता है, जैसे कि परमाणु सामग्री को अलग करने के लिए, सेंट्रीफ्यूज सहित मशीनरी और औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। भूगोल से क्वेश्चन है, तो जितने भी भारत के आसपास जल संधि हैं उनको जरूर आप याद रखिए। ठीक है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच प्रमुख जल संधि को अगर हम देखा जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, पाक जल डमरू मध। ठीक है, पाक जल डमरू मध जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच उत्तरी भाग के बीच स्थित जो जल संधि है उसको कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जल डमरू मध की उच्च चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है और इस जल डमरू मध का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अलास्का इसका आंसर हो जाएगा। बाकी फ्लोरिडा, रोड आइलैंड, मैरीलैंड ये सभी जो है सीमा साझा करता है, लेकिन अलास्का जो है अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इनमें आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर में जो है अमेरिका का राज्य है, जिसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है और यह अमेरिका के किसी भी राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले पर कौन है, तो पहले पर चीन होगा, और दूसरे पर कौन है, दूसरे पर अपना प्यारा भारत है, और तीसरे पर आ जाएगा अमेरिका। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न काल में जो है अमेरिका ही रहा था। चलिए, चौथे स्थान पर अगर बात करेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त अरब अमीरात का जो है एक संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात इसमें से नहीं है, कौन सा ये बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक संयुक्त अरब अमीरात का यानी UAE जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात, तो इसमें से कौन सा एक इसका अमीरात नहीं होगा। मस्कट है, दुबई है, अबू धाबी, शारजाह। तो दुबई, शारजाह, अबू धाबी तीनों इसके अमीरात हैं लेकिन मस्कट इसका नहीं है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मस्कट नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात कहाँ स्थित है, तो ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित देश है और ये 1971 में फारस की खाड़ी से 7 शेख राज्यों जिसमें अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल कुबैन, अजमान और फुजैरा और रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुआ था। इसके पूर्व 1873 से 1947 तक ये ब्रिटिश भारत के अधीन रहा था, उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। 2 दिसंबर 1971 को यह यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ और मस्कट जो दिया गया है, मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। ठीक है, मस्कट क्या है, ओमान देश की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा शहर बहरीन की राजधानी होती है इसमें, तो बहरीन की राजधानी कौन सा है इसमें से, तो बहरीन की राजधानी का नाम है मनामा। क्या नाम है? मनामा नाम है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहरीन की राजधानी का क्या नाम है? मनामा नाम है। ये जो है बहरीन का सबसे बड़ा शहर है और बेरूत जो दिया गया ये लेबनान की राजधानी है। ठीक है, बेरूत जो दिया गया कहाँ की राजधानी है, लेबनान देश की राजधानी। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार, मीरा कुमार बनी थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब से कब तक रही थी, तो 2009 से 2014 तक निर्विरोध चुनी गई थी। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में UPA के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा था जिसमें वो पराजित हुई। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री ओम बिरला है।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वो मेरठ में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर जो है अधिकार कर बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, खांडवी जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। आंसर इसका सी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, खांडवी जो है गुजराती व्यंजन है। खांडवी में तेल बहुत ही अल्प मात्रा में होता है, इसमें अधिक मिर्च मसाला भी नहीं होता। यह पेट के लिए लाभदायक होता है, यह केवल गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के पहले हिंदी भाषा अखबार का नाम बताएं, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को जो है प्रकाशित किया गया था इनमें से। तो पहला हिंदी भाषा अखबार का अगर बात करेंगे तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड नाम था। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 30 मई 1826 को कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा जो है हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार होने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो उसका नाम था लर्मा रोजो। ठीक है, लर्मा रोजो जो ऐसा था, ऐसा गेहूं की एक उच्च पैदावार करने वाली किस्म का नाम है, जो कि भारत में हरित क्रांति में खूब ज्यादा योगदान था इसका। ठीक है, और भारत की हरित क्रांति में अगर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग तथा एम एस स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा और भारत में एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है। इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, भारतीय हरित क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। अब यह क्वेश्चन आपका संविधान से है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा था वो बेनेगिल नरसिंह राव ने तैयार किया था। इनका जो इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव, तो इन्होंने तैयार किया था। आंसर इसका बी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी एन राव जो थे भारतीय सिविल सेवक राजनयिक न्यायविद भी थे। वो वर्ष 1950 से लेकर 52 तक जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। इसके बाद बी एन राव को 1946 में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस की अगर हम बात करेंगे तो यह किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है जोधपुर। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ी निजी महलों में से ये एक है। इस महल को चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्तर की पहाड़ी पर स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस का नाम इसके संस्थापक महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया। बलुआ पत्थर से बने इस भव्य पैलेस में 347 कमरे हैं। ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स में विश्व के शीर्ष होटल श्रेणी में से जो है प्रथम स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनमें से तो लावड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी है। ठीक है, लावड़ी नृत्य जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो निर्गुण लावड़ी, दूसरा होता है श्रृंगारी लावड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो वो बजट था 2016। 2016 के बजट में अलग अलग प्रस्तुत किया गया था और वो अंतिम वर्ष था, इसके बाद एक में ही प्रस्तुत किया जाने लगा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्ष 1973 से 1985 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1773 से लेकर 1785 तक इसमें दिया गया। 1773 से लेकर 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि पहला गवर्नर जनरल था भारत का। और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल प्रांत का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग ICRA, ठीक है, ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ICRA का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम, जो कि इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। इसे मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम दिया गया था। ठीक है, यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्य बैंकों और वित्तीय सेवाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम था। 13 अप्रैल 2007 को यह ICRA लिमिटेड के रूप में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टिंग हुआ था।
इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो गुरुग्राम हरियाणा राज्य में पड़ता है, ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, ठीक है। किस किस द्वीप में पर्यटन को जो है अवैध बना दिया, मतलब कि वहां पर बैन कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप है जहां पे पर्यटन को जो है क्या बना दिया गया है? अवैध बना दिया गया है। आंसर इसका सेंटिनल द्वीप हो जाएगा, ठीक है। सेंटिनल द्वीप कहाँ पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। सेंटिनल जनजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आवागमन से इन जनजातियों में असुरक्षा का भय उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इन जनजातियों ने कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पत्तन का जो है उद्घाटन किया गया था? तो यह किया गया था सिक्किम में, ठीक है। किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पत्तन का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में किया गया था। आंसर ए पार्ट है। अब देखिए 2019 में जो पेपर हुआ था, तो ये उस समय का करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है 2022-23 के करंट अफेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, उनका नाम था बलदेव सिंह। क्या नाम था? बलदेव सिंह नाम था, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 1947 से लेकर 1952 तक रहे थे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, ठीक है। किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, केवड़िया जिले में। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नर्मदा नदी पर अगर हम बात करें, तो नर्मदा नदी के साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। फीट में पूछा जाएगा तो 597 मीटर। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? फूल के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, यह पूछा गया है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराग कोष। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पराग कोष, ठीक है। पुंकेसर जो दिया गया, पुंकेसर पौधे का जो है नर प्रजनन अंग होता है। यह पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूल फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इसमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर दो हिस्सों से बना होता है, पहला होता है पराग कोष, दूसरा होता है तंतु, यानी जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा पराग कोष कहलाता है। पुंकेसर का पराग कोष परागरण उत्पन्न करता है और उन्हें जो है अपने भीतर रखता है। परागकण में जो है पौधे के नर युग्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इसमें से तो इनमें से कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होगा? तो उसका नाम है कोकस। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इसकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि तक की आकार की हो सकती है। यह आकेंद्रिक होती है, कोशिका भित्ति युक्त होती है और एक कोशिकीय सरल जीव होती है जो सर्वत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोकस जीवाणुओं का आकार जो है अंडाकार या गोलाकार यानी बिंदु जैसे होता है। बेसिलस जीवाणुओं का आकार दंड जैसे होता है और वाइब्रियो जीवाणु का आकार लहरदार जैसे होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो पूछा गया था बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दर लगभग कितनी होती है? तो आपको लाल रंग के भी याद रखना है। बैगनी रंग के प्रकाश तरंग की दर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 455 से लेकर 390 nm तक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। देखिए प्रकाश में अगर देखा जाए तो रंगों का क्रम सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य से सबसे बड़े तरंगदैर्ध्य की ओर व्यवस्थित किया जाता है, जिसे प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है 455 से 390 nm के मध्य होती है। लाल रंग के प्रकाश तरंगदैर्ध्य याद रखिएगा 740 से 622 nm के मध्य। नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 625 से 590 nm। पीला रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की बात करें तो 590 nm से 565 nm। और हरे रंग की प्रकाश तरंग की बात है तो 565 से 500 nm। और नीले रंग के प्रकाश की बात करेंगे तो इसका तरंगदैर्ध्य 440 से 485 nm के मध्य होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन की अगर हम बात करेंगे तो ये उदाहरण होता है पायस का उदाहरण, ठीक है। मक्खन का किस प्रकार का उदाहरण? तो पायस का उदाहरण है। पायस मीन्स इमल्सन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो होता है, ये दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से मिलकर बना एक मिश्रण होता है, जिसको हम कहते हैं इमल्सन या फिर हिंदी में पायस।
एक तरल और अन्य तरल में यह फैला होता है। मक्खन और मार्जरीन, दूध और क्रीम इत्यादि जो है पायस के क्या है उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते होंगे। इनमें से किसमें बताना है कि क्या, अगर उसका क्रिस्टल रूप लिया जाए तो उसमें 10 अणु नहीं होंगे। तो इसमें से अगर देखा जाए तो एक्सम एप्सम साल्ट जो है इसके 10 जो है अणु जल के नहीं होंगे। एप्सम साल्ट का फार्मूला जो होता है वो होता है MgSO4 × 7H2O। ठीक है, MgSO4 × 7H2O। तो यहाँ पे जल जो होता है, जल का फार्मूला H2O होता है, यहाँ पे H की बात करेंगे तो जल कितना है, तो 7 अणु ही है, 10 नहीं है। तो ये आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों के क्या है, 10 अणु होंगे। तो ग्लोबर साल्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबर साल्ट जो दिया गया इसका जो फार्मूला होता है ये होता है Na2SO4 × 10H2O। ठीक है, तो इसमें देखिए 10 अणु है जल के। बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2Na2B4O7 × 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 फार्मूला होता है क्रिस्टल में। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 ठीक है × 10H2O। तो यहाँ पर भी जल का 10 अणु होता है लेकिन एप्सम साल्ट में नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1887 में इलाहाबाद की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था सर विलियम म्योर के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सर विलियम म्योर। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, तो पूर्व के ऑक्सफोर्ड के भी नाम से जानते हैं। इसे इसकी शुरुआत इसकी स्थापना जो होती है वो 23 सितंबर 1887 को अल्फ्रेड लॉयड की प्रेरणा से हुई थी। 1873 में इलाहाबाद में म्योर कॉलेज की स्थापना हुई थी जो आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में जो है विकसित हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो दिया गया कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनाई गई थी 1963 में वो किस भारतीय राज्य से बनाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य से बनाई गई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उनका नाम क्या था, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 1963 से लेकर 67 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। सुचेता कृपलानी उन चंद महिलाओं में शामिल है जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आजादी की नींव रखी और नोआखाली यात्रा में गांधी जी के साथ थी। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, उत्तर प्रदेश। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। टोटल 38 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 वाले पेपर में यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर को हम कराएंगे, GS हो जाएगा, इसके बाद हम हिंदी वाला कराने वाले हैं, तो इसलिए चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।